रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? लास्ट इंस्टा स्टोरी से लग रहा था अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, ऐसे जाके थप्पड़ मारूंगी। हाँ हाय गाइस, कुलुम्बा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं फिर से लेट हो गई हूँ एंड मुझे माफ कर देना। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूट हो यार, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हो, सो आप लोग मुझे माफ़ कर ही देंगे, सो सॉरी। आप लोग एंड आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज का वीडियो क्या होगा। सो आज का वीडियो है मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। एंड मैं ना तीन लाइक मैं फर्स्ट कम्युनिटी फर्स्ट का कमेंट्स लूँगी एंड देन उसके बाद वीडियोस मेरे लास्ट वीडियो में जो कमेंट आया है वो लूँगी एंड देन उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में दो तीन क्वेश्चन आया था वो लूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने बोला है, लुक क्यूट एंड प्रिटी, क्यूटनेस इज ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच। एंड शाम ने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी क्या कर रही हो? सो मैं अभी BA 4th sem में हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। एंड थर्ड सेकेंड क्वेश्चन है, इतना सब मैनेज कैसे कर लेती हो? ये क्वेश्चन का आंसर लाइक मुझे मैनेज करना पड़ता है क्योंकि लाइक मैं पढ़ाई भी नहीं सोच सकती एंड YouTube भी नहीं सोच सकती क्योंकि लाइक बहुत इम्पोर्टेंट टू मी। सो लाइक अगर मैं फ्यूचर में जाके YouTube खोज करती हूँ तो मुझे मेरे पास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं रहेगा। सो आई हैव टू मेंटेन बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। सो मुझे दो ये दोनों भी एक साथ लेके जाना है। सो एंड अभी तो मैं लाइक कैसे बाहर रहती हूँ तो मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, फिर भी लाइक मैं लाइक कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों मैनेज कर सकूँ। सो अभी तो ट्राई ही चल रही है मेरे भी, इसलिए मैं कभी कभार वीडियो लेट डालती हूँ। जब मैं लाइक स्टडी पे थोड़ा फोकस करती हूँ तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट आना होता है। सो फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी ऐसे मैनेज करके। अगर कुछ स्ट्रगल ही नहीं है तो सक्सेस कैसे मिलेगा ना। सो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सो इसलिए ऐसा सोच के मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसलिए मैं ये सब ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामे मत कर बहन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? लास्ट इंस्टा स्टोरी से लग रहा था अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अभी अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, ऐसा नहीं है गाइस, मैं सिंगल हूँ। मेरा रिलेशन स्टेटस सिंगल है एंड अभी मैं सोच नहीं रही हूँ। अभी मैं पूरा सिंगल हूँ गाइस। एंड जब भी मेरा कोई पार्टनर बनेगा या फिर मेरे किसी से शादी होगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा ही दूंगी। सो मैं सिंगल हूँ। एंड सो यहाँ पे शाम को क्वेश्चन खत्म होता है। एंड नेक्स्ट सुमी ककलारी ने पूछा है, नंगी बस रब्बे से, मतलब इसका मतलब होता है तुम्हारा एज क्या है? सो मेरा एज अभी मैं 19 हूँ एंड 2024 मैं 20 हो जाऊंगी ही। एंड सुबुंग सर ने बोला है, इंस्टाग्राम गईला डिलीट कलम भाई आं वीडियो कमेंट हरदों आं, आई होप आंगी क्वेश्चन को रिप्लाई कर। सो अभी मैं कम्युनिटी फर्स्ट का ले रही हूँ तो अभी नेक्स्ट पे लाइक आपका जब क्वेश्चन आएगा ना तब लेंगे, अब श्योरली मैं आपका क्वेश्चन भी लूँगी। सो सामेली ने पूछा है, आबो उसका मेरा नीक नेम है, वो मैं नहीं बोलूँगी, BF तो नहीं किया। ये मेरा दोस्त है ना,
मुझे इरिटेट करने के लिए दिया है क्वेश्चन, ऐसा जाके थप्पड़ मारूंगी। हाँ सॉनी है मेरा दी, बहन मेरा नहीं है, बॉयफ्रेंड मेरा, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, चुप करो तुम। और नीचे ऐसा भी लिखा है, सामेली ने ही पूछा है, बिता दो मोना गया बिबाजे लांग दो आंखो, थप्पड़ पड़ेगा थे को मेरे पास। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई है कि नहीं, अगर है तो मुझे भाभी ले जाओ, थप्पड़ पड़ेगा थे को मेरा। वैसे मेरा लाइक बिग ब्रदर ऐसा कोई नहीं है, सो तुम नहीं जा सकते मेरे घर भाभी बन के। आकाश ने पूछा है, कॉलेज और ठंगास ने नामालग, 2 दिन हो गए हूँ मैं क्लास नहीं गई। ऐसे पड़ी रहती रूम पे, मोटिवेशन देख के मैं ये बोल रही हूँ। एंड दिया नर्सरी ने पूछा, नंग बेसे सेमेस्टर हो पढ़ाई है, सो मैं अभी 4th सेम में हूँ, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एंड नंगना बीए फ्रॉम लग गया गैथुआ दा गैथुआ आ गया ना। एंड नोआव फैमिली और साबिसे दों, सो जंगना नोहाई साबरे, मतलब मेरे घर पे 4 है, मैं दीदी एंड मम्मी एंड पापा। एंड नंग बोहानी आबो आशा खालामो रिप्लाई होगन ना फ्रॉम कोक्राझार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आगे। सो मैं, इसका मतलब है आप कहाँ से हो, तो मैं हूँ सिरांग से, असम सिरांग से, डिस्ट्रिक्ट हम मेरा सिरांग है, सो स्टेट असम। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आगे वंस अगेन। एंड जेस्ट फोरो ने पूछा है, बोला है मतलब, इफ़ आई मिस प्रोनाउंस योर नेम सो आई एम रियली सॉरी, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर मेरा मैंने मिस प्रोनाउंस किया तो मुझे माफ़ कर देना। तो जेस्ट फोरो ने पूछा है, माँ से क्यूट नंग माल लगाई, सो मैं निविया सॉफ्ट क्रीम लगाती हूँ। नंग बेसे नंगना एज आ बेसे, सो अभी मैं 19 हूँ, आंग 19 अभी एबस रंग आंग 27। एंड क्लास बेसे बंग फोर आई, सो आंग दा 4th सेम बी ए। एंड नंगसा बाबा आरो मामिया माबाफोर मावो नामा, आरो मावोबा मा मावो खोन्था हर फ्रेंड। सो जोंना बाबायाहाय हाई स्कूल टीचर, इसका मैं हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर देती हूँ। इसने बोला है कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, सो माय फादर इज हाई स्कूल टीचर एंड माय मॉम इज हाउस वाइफ। मैं जोंहा बाबाया हाई स्कूल नि टीचर एंड जोंहा मम्मीया हाउस वाइफ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड विलेज बॉय ने बोला है, बॉयफ्रेंड दो ना गया, सो मैंने पहले भी बोला है, सो मेरा अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, मैं सिंगल हूँ। एंड अभी कम्युनिटी पोस्ट का मैंने सब ले लिया है, अभी वीडियो के कमेंट्स पे आते हैं। सो वीडियो में एलेक्स ने पूछा है, क्लास एंड कॉलेज ने, सो मैं बीए 4th सेम में हूँ एंड मेरा कॉलेज का नेम है कोक्राझार गवर्नमेंट कॉलेज। द राइडर 250 ने पूछा है, फर्स्ट पूछा है क्लास, सो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ बीए एंड सेकेंड बीए है कि नहीं, सो मेरा फिलहाल तो बीए है नहीं, सो होम टूर वो मैं डाल देती हूँ। वैसे मेरा लाइक रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, एक बेड आता है, एक टेबल आता है और सामान रखने के लिए थोड़ा जगह आता है, सो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। ये है मेरा रूम, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ। एंड आप लोगों को ये बैकग्राउंड तो पता ही होगा, मैं यही पे ही वीडियो शूट करती हूँ। एंड ये है मेरा बेड, यहीं पे मैं सोती हूँ। एंड यहाँ पे मैं स्टडी टेबल, ये यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। एंड यहाँ पे मेरा कपड़ा वगैरह है, सो यही है मेरा रूम। एंड फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछा है एज,
तो मेरा एज है 19, अभी इस साल में 20 की हो जाऊंगी। आई होप कि मेरा क्वेश्चन फिट करे, सो मैंने फिट कर लिया। मैंने सबका क्वेश्चन लिया है, सब एवरी सिंगल पर्सन जो मेरे कमेंट पे कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया है वो सब मैंने लिया है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग वंस अगेन। एंड जो पहले सुबुंग सर था ना, उसने मैं कमेंट किया था, उसका क्वेश्चन आ गया है। सुबुंग सर ने पूछा कि योर हॉबी। अभी तो मेरा कुछ हॉबी वगैरह नहीं है। पहले मैं ड्राइंग वगैरह करती थी, अभी इतना टाइम नहीं मिलता है, सो अभी मेरा कुछ हॉबी वगैरह नहीं है। एंड एम, सो मेरा एम अभी अभी इस मोमेंट पे बोला तो मेरा एम मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, क्योंकि लाइक मेरे पापा एक ही है जो घर पे कमाते हैं। सो कभी कभार वो पैसा घर पे चलाना होता है, मुझे भी देना होता है, मेरी पढ़ाई पे भी चला जाता है थोड़ा। सो इसलिए आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई पेरेंट्स। मैं खुद कमा के उसको उन लोग को सपोर्ट करना चाहती हूँ। एंड मेरा ये यूट्यूब जो है उसको भी मैं बड़ा करना चाहती हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, राइट? सो मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है। सो मेरा एम है खुश रहना एंड फैमिली को सपोर्ट करना एंड यूट्यूब एनहेंस करना, बड़ा बनाना। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस। एंड थर्ड क्वेश्चन है एज। सो मेरा एज है 19, इस साल में 20 हो जाऊंगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा है क्लास। सो मैं अभी फोर्थ सेम में हूँ बीए। एंड बीए अभी फिलहाल मेरा कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है रिलीजन। सो मैं रिलीजन वाइज मैं हिंदू हूँ, बट आई बिलीव इन एवरी गॉड। सो आई डोंट नो। एंड अभी वो लास्ट वीडियो का कमेंट भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अभी इंस्टा का लेते हैं। इंस्टा में काकलारी 59 इसने पूछा है, नंगी बस रबे से तुम्हारा एज क्या है? तो मेरा एज अभी 19 है, मैं इस साल 20 हो जाऊंगी। एंड रबीना बसुमतारी, ये मेरा दोस्त है, इसने पूछा है फेवरेट के ड्रामा। सो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रिप्लाई 1988 है, एक फैमिली ड्रामा है, कोरियन ड्रामा। सो बहुत अच्छा है, आप लोग भी देख सकते हो। मैं 100% रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा है। सो देख सकती हो आप भी। एंड इज़ुको, इफ़ आई मिस प्रोनाउंस प्लीज करेक्ट मी। सो इसने बोला, हाउ डू यू नो फैंसी? सो मैं इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ उसको। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में है इंस्टा पे, बट मैं उसको इतना नहीं जानती हूँ। सो अलमीना ने लास्ट पे पूछा है, कौन से सेमेस्टर में हो? सो मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। अभी सब क्वेश्चन कवर कर लिया है मैंने, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर इफ मैंने किसी का कमेंट मिस किया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर तुम्हारा कमेंट लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड अभी तक आप लोग को क्लियर, आप जो जो जानना था क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा होप करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड इतना मैं 1K करवाने के लिए भी थैंक यू सो मच। होप यू गाइस विल सपोर्ट मी एज आज तक जितना सपोर्ट किया है, आगे भी जाके सपोर्ट करूँगी, होप करती हूँ मैं। सो मैं भी आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लेके आने के लिए ट्राई करूँगी ऐसे ही। सो अभी मैं क्या ही बोलूँ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, बाय मेरी प्यारी लोग।